तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के ऊपर कि प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है, प्रोनाउन की एग्जांपल्स क्या है, प्रोनाउन को किन दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और क्यों जो है प्रोनाउन को अहमियत हासिल है, प्रोनाउन अगर ना होता तो क्या होता, ये सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन, वैसे तो इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी, जिसमें डिटेल्ड मुझे नज़र आई, वो यही नज़र आई। खैर, मैंने आसान सी डेफिनेशन भी रखी है उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए जो अभी जिनको बड़ी बड़ी डेफिनेशनें थोड़ी याद करने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है डैट टेक द प्लेस, जो या तो जगह इस्तेमाल होता है, किसकी जगह, नाउन की जगह, और रेफर टू अ नाउन, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि नाउन के साथ लिंक बनाता है। कोई भी सेंटेंस है उसमें या तो वो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा या फिर वो अपना ताल्लुक जो है वो नाउन के साथ बनाएगा। कैसे, मिसाल से ही समझ में आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, खैर, यहाँ पर मिसाल से पहले आप लोगों को एक और बात भी बतानी थी, वो ये कि नाउन किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली इस वीडियो के साथ शुरू किया हो, नाउन के बारे में ना पता हो, क्योंकि दुनिया जो है वो हर किस्म की होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नाउन के बारे में भी डेफिनेशन रख दिया, ताकि नाउन का पता चले, क्योंकि अगर नाउन का नहीं पता चलेगा तो प्रोनाउन पुट कैसे करेंगे। क्योंकि जैसे मेज़ के ऊपर बुक्स रखी जा सकती हैं, लेकिन अगर मेज़ ही नहीं है तो फिर कैसे उस टेबल के ऊपर बुक रखेंगे। तो सेम एज़ नाउन का ही नहीं पता होगा तो प्रोनाउन भाई आप नहीं लगा सकते। तो नाउन के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊँ तो वो ये होता है कि नाउन इज़ अ वर्ड, नाउन एक ऐसा वर्ड होता है डैट आइडेंटिफाई पीपल प्लेसेस थिंग्स एंड आइडियाज़, जो के आइडेंटिफाई करता है किसी भी शख्स, चीज, जगह या आइडिया को। तो आइडेंटिफाई मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, तो मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल का नाम मैं आपके माइंड से गायब कर दूं और आपके माइंड में अब वो नाम ही नहीं है जो कि आपके हाथ में डिवाइस है उसका, तो आप कैसे उसको पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। या एक और मिसाल दूं, आप जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद आपने एक एनिमल देखा, एक जानवर देखा, और आपको नहीं पता इसको क्या कहते हैं, और आप जब जंगल से वापस आए तो आप घर जाकर क्या बताओगे कि आपने कौन सा एनिमल देखा, क्योंकि आपको उसको नाम ही नहीं पता, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। तो इसलिए इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स ज़्यादा हो गया शायद, इस दुनिया में जो है हर चीज़ का एक नाम रखा हुआ है, ताकि उसकी शनाख्त हो सके, ताकि उसको पहचान सकें, ताकि उसकी हो सके। तो उस शनाख्त पहचान को जो है वो नाउन कहा जाता है, और उसकी जगह ही ये प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। आई होप इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं। मिसाल, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आई है मुझे, वो ये कि मैंने वीडियो से पहले ये बोला था, प्रोनाउन अगर ना होता तो क्या होता, या क्यों ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में, आप पढ़ भी सकते हो, मैनी टाइम्स प्रोनाउन्स आर यूज टू प्रिवेंट द राइटर फ्रॉम हैविंग टू रिपीट द नेम ऑफ नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब यही वो सादे लफ्ज़ों में कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रोनाउन ना होता तो फिर किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को बार बार लिखना पड़ता, किसी भी चीज़ के नाम को बार बार लिखना पड़ता, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती और बहुत ज़्यादा कोलैप्स होते। कैसे, मैंने एक मिसाल रखी है इस बात को समझाने के लिए, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आसान डेफिनेशन, जैसे कि मैंने कहा था छोटे बच्चों के लिए, इट इज़ अ शॉर्ट वर्ड डैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये कैसा शॉर्ट वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। खैर, हम अपने उस बात की तरफ आते हैं जो कि अभी हमने चढ़ी थी, कि प्रोनाउन क्यों अहम होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दो लाइनें लिखी हुई नज़र आ रही हैं आपको। पहली लाइन में रीड करता हूँ, सना हैज़ टू स्टडी इन ऑर्डर फॉर सना टू गेट द जॉब डैट सना वांट्स। सना ने तालीम हासिल की सना ने जॉब करने के लिए, सना जो चाहती है। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड पढ़ता हूँ, सना हैज़ टू स्टडी, सना ने तालीम हासिल की इन ऑर्डर फॉर हर, खुद के लिए, इन ऑर्डर फॉर हर टू गेट द जॉब, यानी खुद के जॉब के लिए, डैट शी वांट्स, जो वो चाहती है। अब देखो, दोनों सेंटेंस में बात एक ही कही जा रही है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, बार बार सना आ रहा है, जिसकी वजह से अजीब भी लग रहा है, और शायद आपको अजीब नहीं लग रहा, आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अंग्रेज़ों को अजीब लगता है जिन्होंने इंग्लिश बनाया है। वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, और क्योंकि हम उनकी ज़बान को फॉलो कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हमें उनके रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जर्नल्स एक फॉर्म बता दी मैंने कि एक बार सना लिखा, फिर अगली बार हर लिखा, फिर अगली बार शी लिखा। अब ये हर जो है, यानी सना ने तालीम हासिल की खुद के लिए, खुद कौन है, सना है ऑब्वियसली, तो ये इंडिकेट कर रहा है नाउन को,
अपना ताल्लुक बना रहे हैं नाउन के साथ, दैट्स वाई कि ये हर जो है प्रोनाउन है। इसी तरह जो वो चाहती थी, वो कौन, ऑब्वियसली सना की बात की जा रही है तो सना चाहती थी, तो शी जो है वो किस से बिलोंग कर रहा है, किसके साथ अपना ताल्लुक बना रहा है, लिंक बना रहा है, तो ऑब्वियसली सना के साथ बना रहा है, दैट्स वाई के ये दो प्रोनाउन हो गए। तो आई होप इस दो लाइनों से आपको पता चला होगा कि प्रोनाउन ऐसे ही नहीं है, ये बहुत खास और अहम रोल प्ले करता है इंग्लिश के अंदर, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। फर्दर इनकी टाइप्स भी होती है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहली मिसाल है अली इज़ इन द क्लासरूम। अली जो है वो किस में है, क्लासरूम में, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। अब अली जो है यहाँ पर नाउन है और ही जो है वो प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियसली बात अली की ही की जा रही है। इसको मैं अगर ऐसे लिखता अली इज़ इन द क्लासरूम, अली इज़ रीडिंग, तब भी बात वही थी। अब मैंने लिखा अली इज़ इन द क्लासरूम, ही इज़ रीडिंग, तो तब भी बात वही है, बस फ़र्क क्या हो गया, अब मैं जितना भी बड़ा पैराग्राफ होगा मैं अली इस्तेमाल नहीं करूँगा, ही और ही इस्तेमाल करूँगा, और ये ही जो है ये बता रहा है वो और वो कौन, अली, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल थी किसी भी पर्सन के लिहाज से और सब्जेक्ट के लिए, खैर ये आगे बात करते हैं। कासिम इज़ रीडिंग अ बुक, कासिम किताब पढ़ रहा है, यानी कि कासिम एक किताब पढ़ रहा है, ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सॉरी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प है। तो ये इट जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन हैं, एक कासिम और एक बुक, तो अब इट जो है वो बुक को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, कासिम को नहीं कर रहा। इसकी एक वजह ये है कि इट जो है वो किसी भी लाइफलेस यानी कि बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ही जो है वो बॉय के लिए होता है, शी जो है वो गर्ल्स के लिए होता है। तो सेम एज एक तो ये निशानी है और दूसरी निशानी यही है कि इस एग्जांपल को लिखने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे भी प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इससे भी आप देख सकते हो कि अगर ऐसे लिखा जाता कासिम इज़ रीडिंग अ बुक, बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो भी बात तो ठीक थी, लेकिन वो नॉन प्रोफेशनल कहलाती, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ना कहलाती, दैट्स वाई कि नाउन की जगह इट इस्तेमाल किया। इनको इस्तेमाल करना एक अलग सलाहियत है, समझना एक अलग बात है, लेकिन समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझ में आएगी तो प्रैक्टिस करेंगे और कल कलां को कुछ इंग्लिश में और बेहतर हो सकेंगे, ठीक है। तो एक और मिसाल देख लेते हैं, मॉम मेड सम सैंडविचेस, अम्मा जान ने कुछ सैंडविचेस बनाए, शी मेक्स द बेस्ट सैंडविचेस, वो बहुत बेहतरीन सैंडविचेस बनाती हैं। अब शी जो है वो ताल्लुक बना रहा है या किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है, मॉम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स वाई के शी जो है वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। और बस यही सब कहानी थी प्रोनाउन की, एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के साथ अपना ताल्लुक बनाए या उसकी जगह इस्तेमाल हो। तो आई होप प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मजीद फर्दर इस वीडियो में आगे चलें तो बात करते हैं, प्रोनाउंस दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउंस और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस नाउंस की जगह इस्तेमाल होते हैं, डेट आर द सब्जेक्ट, और वो कौन से नाउन होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के, यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसकी जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है उसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। तो अब एक और सवाल पैदा होता है स्टूडेंट्स के लिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी साथ ही लिख दी है मैंने, द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन प्लेस और थिंग डैट द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट वो शख्स चीज़ या जगह होती है जिसके बारे में सेंटेंस होता है। मिसाल से समझते हैं, तो पहली मिसाल है द हाउस इज़ पेंटेड रेड, घर जो है सुर्ख कर दिया गया है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, ऑब्वियसली हाउस के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई के हाउस क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट इट इज़ लुकिंग गुड, ये अच्छा लग रहा है। तो इट जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, हाउस को रिप्लेस कर रहा है। अब सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट था यानी सब्जेक्ट नाउन है और इसको रिप्लेस कर रहा है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि है ये प्रोनाउन ही, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे भी होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी होता है, और हमें ये समझना है कि कौन से सब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस होते हैं। तो आगे चलें तो एक और मिसाल से समझ में आएगा, नुमान इज़ अ ड्राइवर, इस सेंटेंस के अंदर किसकी बात हो रही है, नुमान की बात हो रही है, नुमान एक ड्राइवर है, तो दैट्स वाई कि नुमान जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा और नुमान की जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ही, तो ही ड्राइव्स अ बस, वो बस चलाता है, तो ही जो है वो रिप्लेस हो रहा है नुमान की जगह, ठीक है। तो दैट्स वाई कि ये प्रोनाउन कहलाएगा, कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा।
ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेम जैसे पीछे सब्जेक्ट कोई जगह जो इस्तेमाल होते हैं उन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते थे, इधर ऑब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहा जाता है. ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज द नाउन. अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट एक ऐसा नाउन होता है डैट इज एक्टेड ऑन बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जिस चीज पर काम कर रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे द बॉय किक्स द बॉल, तो बॉय जो है किस पे काम कर रहा है? बॉल पे. और इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? बॉय की बात हो रही है कि बॉय किक लगा रहा है, तो बॉय सब्जेक्ट हुआ. और ये किस पे काम कर रहा है? बॉल पे कर रहा है, तो बॉल ऑब्जेक्ट हुआ. और अगर इसको मैं ऐसे लिखूं द बॉय किक्स इट, तो अब इट जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? बॉल को. और तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करे. एक और मिसाल से समझते हैं. द बॉय प्लेज विद नूर. बॉय यानी लड़का जो है वो नूर के साथ खेलता है. ठीक है, तो लड़का खेल रहा है नूर के साथ, दैट्स व्हाई लड़का जो है वो सब्जेक्ट है. और ये किसके साथ खेल रहा है, किस पे काम हो रहा है? नूर के साथ खेल रहा है, नूर पे काम हो रहा है, तो दैट्स व्हाई के नूर जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो नूर को रिप्लेस क्या कर रहा है? हर. द बॉय प्लेज विद हर. हर मीन नूर, दैट्स वाई के हर जो है वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाएगा. तो आई होप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनकी. अब देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. तो वो देखें तो एग्जांपल्स आ जाती हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं आई, यू, शी, ही, वी, दे. ये सारे जो हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं दैट मीन के ये सब्जेक्ट हैं. सेंटेंस के अंदर इनकी बात की जा रही है. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, यू, हर, हिम, अस, देम, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन को रिप्लेस करते हैं. तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी. लेसन समरी की बात करूँ तो आज हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो के जरिए. तो आज हमने सीखा कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं और इनका मकसद ये होता है कि सेंटेंसेस के अंदर बार बार नाउन रिपीट ना हो और कन्फ्यूजन कम से कम हो. साथ में ये सीखा हमने कि इनके दो ग्रुप्स होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउंस और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. और इसके अलावा सब्जेक्ट प्रोनाउंस सीखा हमने जो कि ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं. और सब्जेक्ट के बारे में कहूँ तो सब्जेक्ट वो पर्सन, प्लेस और थिंग होता है जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर बात की जा रही होती है. इसके अलावा साथ ही हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सीखा. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? ऑब्जेक्ट ऐसे नाउन होते हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट जो है कोई एक्ट कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है. इसके साथ ही आज का ये जो वीडियो लेसन था वो ख़त्म हुआ. और अगर आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश की ग्रामर या कुछ भी इंग्लिश से रिलेट, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश भी वक्त के साथ बेहतर करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ जब मैं सीख रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ और लोग भी सीख लें. और तो इसीलिए ये सब प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है. तो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए. और इसके साथ साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त के अंदर से कुछ वक्त निकाल कर आपने इस वीडियो को देखा. इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.